अस्सलाम वालेकुम, जब पूछते आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ मशा। पूरा नाम क्या है आपका? माई नेम इज़ मशा खान। ओके, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? माई स्कूल नेम इज़ न्यू हॉराइज़न स्कूल। ओके, एंड मशा, आपके दोस्तों के क्या क्या नाम हैं? अदीना शहजादी, फातिमा रफत, बुरहान, फातिमा जहरा, हफ्सा, फाइक, साद, जुबिया, मनहा, हमजा। आपको किसी ने कहा नहीं कि आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं? कोई नहीं कहता। अरे लेकिन आप तो बहुत प्यारी दिखती हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं। अल्लाह पाक बनाते हैं सारे बच्चों को? यस। अल्लाह पाक इतना? हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी चिंता करते हैं इसलिए। अच्छा, अल्लाह पाक किसी को खूबसूरत बनाते हैं, किसी को गोरा बनाते हैं, किसी को काला बना देते हैं। जो बुरे बच्चे होते हैं उनको इसलिए काला ही बनाते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको गोरा बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक सबको अच्छा बनाते हैं, फिर दुनिया में आके लोग गंदे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि थोड़े थोड़े लोग शैतानी करने लगते हैं ना, थोड़े बच्चे। अच्छा, तो अल्लाह पाक उनसे कभी नाराज़ नहीं होते अपने बच्चों से, क्यों? इसलिए नाराज़ नहीं होते क्योंकि बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं और उनका काम ही होता है हमें परेशान करना। इसलिए अल्लाह पाक नाराज़ नहीं होते? अल्लाह पाक इसलिए नाराज़ नहीं होते, वो तो बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे? अगर बड़े लोग ऐसे शैतानी करें तो उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए अल्लाह पाक छोटे बच्चों को नहीं करते, बड़े बच्चों को करते हैं। छोटे बच्चों को शर्म नहीं आती क्योंकि वो तो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, मतलब वो ना। हाँ, जैसे आप मासूम है, बहुत प्यारी सी हैं, है ना? हाँ, लेकिन आप शैतानी भी करती हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर थोड़ी थोड़ी। हाँ, थोड़ी थोड़ी, आप बहुत प्यारी हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह पाक ने एसी क्यों कैसे बनाया? ठंडक के लिए, अगर गर्मी का दिन आए तो ठंडक मिलनी चाहिए बच्चों को, भलाई के लिए। भलाई के लिए, हाँ ये बात। अच्छा, एसी से ठंडी हवा कैसे निकलती है? क्योंकि 5 मिनट बाद जब उसका पंखा बंद होता है तो एसी तो बाहर से थोड़ा ठंडा होता है, जब थोड़ी थोड़ी दिन बारिश आती है फिर एसी का जब रिमोट ऑन करते हैं फिर कूलर एसी की वो मिलान होती है जो उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि पेड़ ज़मीन से कैसे उगते हैं? ज़मीन के अंदर से जो पेड़ उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो कैसे? क्या ज़मीन के अंदर पहले से पेड़ होते हैं? नहीं, जब हम पैदा नहीं हुए थे सबसे पहले, क्योंकि हमारे नबी पैदा हुए थे। नबी पैदा हुए थे जी, नबी का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो जब नबी पैदा हुए थे फिर क्या हुआ, पेड़ पौधे कैसे पैदा हुए? जब जब कोई भी पैदा नहीं हुआ था तो उन्होंने जब 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 ये पेड़ निकले, सबसे पहले बहुत सारा जंगल था। हाँ, जंगल जंगल तो था, और इसलिए वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते थे। लेकिन थोड़े थोड़े जानवर ख़त्म हो गए, इसलिए उन्होंने सोची कि आप पेड़ एक रोड बनाकर पूरा शहर बना दे, तो उन्होंने पेड़ काट कर शहर एक बनाया। उनको थकान भी हुई, बहुत थकान, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। अच्छा, तो उन्होंने पूरा पूरा दुनिया बसा दिया। हाँ, कि अगर लोग जब पैदा हुए तो ये जिंदगी देख सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मायशा का नाम मायशा क्यों रखा, यानी आपका नाम हमने मायशा क्यों रखा? क्योंकि मायशा एक हसीन चेहरे वाली लड़की होती है। हाँ, और हमेशा खुश रहने वाली लड़की, इसलिए मायशा है। तो क्या आपका नाम आपको सूट करता है? यस। अच्छी तरह सूट करता है? बहुत अच्छी तरह।
अच्छा, अगर आप बड़े होकर कुछ बनना हो तो आप क्या बनना पसंद करोगी? मैं तो एक पायलट बनना पसंद करूंगी। पायलट बनेंगी जो एरोप्लेन चलाते हैं? यस। अच्छा, तो क्योंकि अभी तक मैंने एरोप्लेन चलाना सीखा नहीं है, अगर मैं सब कुछ सीख जाऊँ तो एरोप्लेन भी चला सकती हूँ। हाँ, मतलब कोशिश करने से हार नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती, तो आप कोशिश करेंगी? कोशिश करती हूँ। कोशिश करती रहती हैं, आपको अच्छा लगता है कोशिश करना? आप कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाती हो? मुझे बस एक चीज की चिंता होती है। क्या? कि मैं जब छोटी थी तो गाड़ी नहीं चला पाती थी, पर अब भी नहीं चला पाती क्योंकि मैंने अभी तक सीखा नहीं। और पर बाइक तो चला सकती हूँ मैं। अच्छा, बाइक चला सकती हूँ। मुझे पता है कि बाइक कैसे चलती है, उसका हॉर्न इधर की तरफ होता है। अच्छा, तो आपको सिर्फ गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर पाती हो? खाना बना पाती हो, पढ़ पाती हो, दौड़ पाती हो, आप क्या क्या कर पाती हो? ये सब तो मैं कर पाती हूँ, लेकिन बस बहुत से खतरनाक ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर पाती हो? खतरनाक काम? ज़्यादा खतरनाक नहीं कर पाती, बस थोड़े से खतरनाक कर पाती हूँ। जैसे कि? जैसे कि एक भारी थोड़ी सी एक भारी चीज़ को उठाना और एक चेयर को उठाना और कहीं और रखना, है ना? हाँ, खतरनाक काम जैसे कि कॉकरोच को देखकर और कॉकरोच को मारना, ये खतरनाक काम कर पाती हो? लिजर्ड को देखकर और वहीं पे खड़े रहना, भागना नहीं, ये खतरनाक काम आप कर लेती हो? ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने। हाँ, तो कोई भी कर लेगा, छोटी छोटी तो चीज़ें होती हैं ये। हाँ, लिजर्ड वैसे भी जंगल से आती है और हमें देखकर ही डर जाती है इंसानों से। हाँ, अगर स्नेक आ गया कभी आपके सामने तो आप क्या करोगे? स्नेक आया जो मैंने एक दिन मम्मा के वीडियो में देखा था, उसकी तरह जो स्नेक था उसकी तरह थोड़े थोड़े कोशिश कर कर पकड़ती हूँ। पकड़ती हो? हाँ। आप डरोगी तो नहीं ना? डरती तो नहीं हूँ। आप डरती नहीं? बस मैं अपने हाथ में वो पकड़ी रहती हूँ जिससे वो पकड़ते हैं। स्टिक? नहीं, जिससे वो पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक ने जो सांप बनाया है, स्नेक बनाया है, उसके अंदर जो जहर होता है वो कैसे डाला होगा? पहले सांप नहीं हुआ करते थे। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने सांप बनाया तो पहले उन्होंने सोचा कि सांप को जोड़ने से पहले उसके अंदर जहर डाल दे। अच्छा, फिर तो जोड़ने सांप को जोड़ने से पहले उसके अंदर जहर डाला, फिर जोड़ा? हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।